तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएसई डिट में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डार्क एंड ग्रे टोन कलर इफेक्ट लाइटरूम की सहायता से, वो भी बहुत इजी तरीके से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइटरूम को ओपन करेंगे, उसके बाद हम लोग कलर्स में जाएंगे। कलर्स में जाने के बाद टेम्प को हम लोग इंक्रीज करेंगे। +11 उसके बाद हम लोग टिंट को भी इंक्रीज करेंगे। +6 उसके बाद वेबरेंस को भी इंक्रीज करेंगे हम लोग। +10 उसके बाद हम सिचुएशन को भी इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम सिचुएशन को भी इंक्रीज करेंगे। +10 उसके बाद हम लोग मिक्स टूल्स में जाएंगे। मिक्स टूल्स में जाने के बाद हम लोग ऑरेंज कलर में जाएंगे। ऑरेंज कलर में जाने के बाद सिचुएशन को हम लोग डिक्रीज करेंगे -13। उसके बाद हम लोग ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करेंगे +26। उसके बाद हम लोग येलो कलर में जाएंगे। येलो कलर में जाने के बाद हम लोग ह्यूज को डिक्रीज करेंगे -100। उसके बाद हम लोग सिचुएशन को भी डिक्रीज करेंगे -86। उसके बाद हम लोग ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करेंगे +16 +17। उसके बाद हम लोग ग्रीन कलर में जाएंगे। ग्रीन कलर में जाएंगे ह्यूज को हम लोग डिक्रीज करेंगे -100। उसके बाद हम लोग सिचुएशन को भी डिक्रीज करेंगे -70। उसके बाद हम लोग ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करेंगे +10। यहाँ से डन कर देंगे। उसके बाद हम लोग ग्रेडिंग में जाएंगे। ग्रेडिंग में जाने के बाद हम लोग इस वाले आइकन में आने के बाद हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, ह्यूज है 230 और उसका सेचुरेशन है 47। तो आप लोग इतना कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लुमिनेशन को डिक्रीज करेंगे -71। उसके बाद हम लोग ब्लरिंग को इंक्रीज करेंगे 100। उसके बाद हम लोग बैलेंस को डिक्रीज करेंगे 50। उसके बाद यहाँ से हम लोग डन कर देंगे। उसके बाद हम लोग इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद क्लियरिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे +35। उसके बाद हम लोग डीज को भी इंक्रीज करेंगे +10। उसके बाद हम लोग विग्निट को डिक्रीज करेंगे -45। उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट को हम लोग मिड पॉइंट को भी डिक्रीज करेंगे 40। उसके बाद हम लोग फेदर्स को इंक्रीज कर देंगे +81। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसके बाद हम लोग डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद शार्पिंग को इंक्रीज करेंगे +35। उसके बाद नॉइस रिडक्शन को भी हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा +16। उसके बाद कलर नॉइस रिडक्शन को भी हम लोग इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा +8। उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल्स में जाएंगे। ऑप्टिकल्स में जाने के बाद रिमूव क्रोमेटिक अबेरेंस को ऑन कर देंगे। उसके बाद हम लोग इनेबल लेंस करेक्शंस को भी ऑन कर देंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलना आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।